हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप? मैं सोच रहा हूँ आप बिल्कुल सही होंगे और अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट 2020 के फॉर्म के अलावा और कौन से बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरे और उनकी एग्जाम दें। तो नीट 2020 के अलावा आपने एम्स व जिपमर के एप्लीकेशन फॉर्म भी भरने हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही नीट की एग्जाम हो जाती है उसके बाद में आप आके शाम को जब आंसर की चेक करते हैं तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, सिलेक्शन होने की उम्मीद हो जाती है, तो सोचते हैं क्यों अभी आगे तैयारी करनी है, नीट में सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर मार्क्स कम रहते हैं तो स्टूडेंट यही सोचते हैं कि जब नीट में नहीं हुआ तो एम्स और जिपमर में कहां से होगा। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, दोनों तरह के स्टूडेंट ही तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नीट का स्कोर चाहे कुछ भी रहा हो, मेरे को एम्स जिपमर में अच्छी रैंक लानी है, और ऐसे स्टूडेंट एक महीने में जमकर मेहनत करके सिलेक्शन ले जाते हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि आपने नीट के अलावा 2020 में एम्स व जिपमर की एग्जाम की भी अच्छी तरह तैयारी के साथ में एग्जाम देना है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ नीट 2019 की एक ऐसी घटना बताता हूं जिसको देखकर मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। जब 5 मई 2019 को नीट 2019 की एग्जाम लगी थी तो मैं जयपुर के एक एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा था। एग्जाम स्टार्ट हो चुकी थी। एग्जाम सेंटर से बिना एग्जाम दिए 5 मिनट बाद गार्ड ने एक स्टूडेंट को गेट से बाहर निकाल दिया। स्टूडेंट बुरी तरह से रो रहा था। मैं उसको मेरी गाड़ी में जो थोड़ी दूर खड़ी थी उसको ले जाकर पानी पिलाया और उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? तो उसने बताया, सर मेरे पास फोटो नहीं थी अटेंडेंस सीट पर चिपकाने के लिए। तो मैंने कहा, बेटा जो आपके एडमिट कार्ड पर फोटो थी उसी को उतार कर आप अटेंडेंस सीट पर चिपका देते। तो वो बोला कि मेरे को पता ही नहीं था ये। मैंने बोला, बेटा इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, आप एम्स की तैयारी करो। उसके बाद उसके मोबाइल नंबर लेकर मैंने उसको एम्स की एग्जाम की आज से ही तैयारी करने की सलाह दी। टाइम टेबल तैयार करके दिया मैंने उसको कि इस प्रकार से आपने ये टाइम टेबल फॉलो करना है। एम्स का रिजल्ट आने तक मैं उस घटना को भूल चुका था, मगर जिस दिन एम्स का रिजल्ट आया तो सबसे पहले फोन उस स्टूडेंट के फादर का आया। उन्होंने बताया कि लड़के के काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं और दिल्ली एम्स में तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मगर बाकी दूसरे अच्छे एम्स में हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, अगर इंसान किसी काम को करने की ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है। अभी जिन स्टूडेंट के 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं वो नीट एम्स जिपमर के साथ साथ बाकी एम्स व जिपमर के पैरामेडिकल के एग्जाम भी अवश्य दें, क्योंकि ये सारे अच्छे कोर्सेज हैं, इनमें भी आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कि नीट 2020 के एग्जाम के अलावा बाकी और कौन से हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं और तैयारी करके अच्छी तरह से एग्जाम देनी है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।